दिस इज IMT न्यूज। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ जो मेहमान है, बहुत प्यारी बच्ची है हमारे साथ आज, नेहा जिया आवान, और जो यूके में होती है। इनको इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और इनसे बातचीत करते हैं, इनके कैरियर के बारे में जानते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं कि यूके में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो किस तरह रह रही हैं और क्या क्या उनको फेस करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नेहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। तो आप बताइए नेहा कि आप थोड़ा सा अपना एजुकेशन के हवाले से बताइए, आप कब से यूके में हैं, क्या कर रही हैं, पाकिस्तान से कब गई? मैं या अभी फिलहाल तो काम कर रही हूँ एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड नॉट कंसल्टेंट एज एन एडवाइजर। एंड मैंने यहाँ पे माशाल्लाह 4 डिग्रीज कर ली हैं। आई डिड माय फाउंडेशन इन लॉ first and then I did my LLB, then I did my LLM and then I did my LPC or LLM मैंने combine किया and from University of Hertfordshire and mashallah I've been working for 2.5 years now as an immigration advisor and a family law consultant as well and मुझे mashallah 7.5 years हो गए पाकिस्तान से इधर आए हुए और काफी छोटी थी जब आई थी but अब mashallah all grown up अभी आप किस रिसेंटली एज में आई थी? तो कराची में कहाँ से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया आपने? मैं कॉन्वेंटेरियन हूँ कराची में। मैंने 12 इयर्स कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, एंड देन स्ट्रेट अवे मैं इधर आ गई थी। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे मेरे डैड को मेरे साथ आना पड़ा था यूके बिकॉज दे वरंट अलाउइंग मी टू कम अलोन। तो हाँ जी, दिस इज मी। तो कैसा लगता है नेहा, आप मिस करती हो पाकिस्तान को? कितने अरसे में आना जाना होता है यहाँ? जाहिर है मिस तो करते हैं। मैं एवरी फ्यू मंथ्स मेरा जाना आना होता है क्योंकि मेरी फैमिली ऑब्वियसली वहाँ पे है, दिल वहाँ पे है। पाकिस्तान तो फिर कोई नहीं, पूरी मतलब हम यहाँ पे खुश रहते भी हैं तो एक अधूरापन होता है क्योंकि अपने पाकिस्तान से तो दिल जुड़ा हुआ है। नो डाउट, ऐसा तो है, कहीं भी चले जाए अपना मुल्क तो याद आता है। बिल्कुल। तो अब आगे आपके और क्या क्या प्लान्स हैं? आगे इंशाल्लाह मैंने फोकस करना है अपनी प्रोफेशन पे सबसे पहली बात तो, बिकॉज मैं आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू एंड मुझे इंशाल्लाह प्रोबोनो वर्क करना है। मुझे फ्री लीगल एड सेक्टर में भी जाना है इंशाल्लाह एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रोइंग इन माय ओन करियर एट फर्स्ट एंड देन इंशाल्लाह फ्री लीगल एड, बिकॉज मेरे डैड जिनका नाम जिया अहमद अवान है, वो ही वॉज द पायनियर ऑफ दिस सेक्टर इन पाकिस्तान। सो उन्होंने उन्होंने लीगल एड पे बहुत ज़्यादा काम किया है एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। सो आई वांट टू फॉलो हिज पाथ एंड इंशाल्लाह होपफुली मैंने भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करना है, ये मेरा गोल है। एंड इवन उमर मेमन साहब जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह ग्लोबल मेमन एसोसिएशन के साथ और उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन, आई हाईली हाईली रिगार्ड हिम फॉर दैट एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सकेगा मैं उनके साथ खड़ी हूँ, उनके साथ हम लोग जितना भी मिलके काम कर सकेंगे वो मेरे लिए एक ऑनर की बात होगी। नेहा, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान आके, आपको पाकिस्तान से जब आप मूव हुई और आपने अपनी जारी एजुकेशन वहाँ पे स्टार्ट की, हम जो आने वाली बच्चियां हैं जो ये प्रोग्राम देख रही हैं या देखेंगी, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी आपको? क्योंकि बहुत इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंस है यहाँ का, पाकिस्तान का और यूके का। बिल्कुल। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपना फोकस रखें और बिल्कुल मतलब अगर एजुकेशन के लिए आ रही हैं सो नेवर लीव दैट रोड, यू नो वो उस चीज में फोकस्ड रहें। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी रुकावटें होती हैं जो आती हैं। आप जाहिर अपने घर को छोड़ के आते हो, अपनी फैमिली को छोड़ के आते हो, यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो हाउस हेल्प वगैरह इतनी होती है हमारे पाकिस्तान में और हमारी पेरेंट्स होते हैं हमारी हेल्प के लिए, सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आके खुद चीज़ें करनी पड़ती हैं सारी। तो उन चीज़ों में उस एस्पेक्ट से तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ये आई थिंक ये आपके मोरालिटी होती है, आपके कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, आपकी तरबियत होती है कि आप किस तरीके से अपने आप को मोल्ड करें उस जगह के हिसाब से। और आई थिंक यहाँ पे आके बजाय इसके हम ये वाले रोने शुरू कर दें कि हम इतनी मुश्किल हैं ये वो, हम क्यों नहीं इस चीज़ को इस तरह देखते कि हम ग्रो कर रहे हैं एक तरीके से, हम अपने मुल्क का यहाँ पे आके नाम रोशन कर रहे हैं
और एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। उर्दू हमारी मादरी जबान है, हमारी इंग्लिश मादरी जबान नहीं है, लेकिन हम दूसरी जबान को इस तरह से एम्ब्रेस कर रहे होते हैं इधर के कल्चर को, और यह हमारे लिए बहुत साइन ऑफ प्राइड है। सो आई थिंक सारी गर्ल्स को, सारे इवन जो मेल जो यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे, उनको भी एक तरीके से बहुत प्राउड होना चाहिए अपने लिए, उनके माँ बाप को उनसे बहुत प्राउड होना चाहिए कि वो यहाँ पे आके सेटल डाउन हो रहे हैं, यहाँ पे अपनी एक नई जिंदगी बना रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग डील, सो आई थिंक वी शुड ऑल एम्ब्रेस इट इन आवर ओन वे। तो आप थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताएंगे, जो बच्चे आना चाहते हैं यूके ज्वाइन करना चाहते हैं, या मास्टर्स के लिए या ग्रेजुएशन के लिए? बिल्कुल। सो इमिग्रेशन एस्पेक्ट से आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं आने के। ज्यादा मेनली जो इजी जो राउट लोग चूज करते हैं वो है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप किसी भी लेवल पे आ सकते हैं। जैसे मैं खुद फाउंडेशन लेवल पे आई थी, मैं ना अंडर ग्रेजुएट थी ना पोस्ट ग्रेजुएट थी, बट दे कैन कम ऑन एनी लेवल। एंड मुझे जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सो उनके लिए मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दे कैन ऑलवेज अप्रोच मी। एंड मैं एक फर्म के साथ काम कर रही हूँ, जूलियन राना सोलिसिटर्स। एंड मेरे बॉस भी और मैं भी, हम लोग बहुत इस चीज में काम करते रहे हैं। हम लोग कुछ लोगों को जो रेलेवेंट केसेस होते हैं, जो जिनका हमें एक्चुअली नजर आता है कि वो जरूरतमंद हैं, उनके लिए हम लोग लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं अपनी फर्म के थ्रू। एंड हम हर तरीके से इमिग्रेशन रिलेटेड जितनी क्वेरीज होंगी या फैमिली लॉ रिलेटेड जितनी क्वेरीज होती हैं, उसमें हम वट एवर हेल्प वी कैन प्रोवाइड वी विल इंशाल्लाह। सो बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, बट मेनली ज्यादातर लोग जो हैं या तो वर्क वीजा चूज करते हैं या स्टूडेंट वीजा चूज करते हैं पाकिस्तान से इधर आने के लिए, विच इज आई थिंक इजियर एज कम्पेयर टू अदर राउट्स। माशाल्लाह, अब आप सेटल हैं, तो आगे अब क्या इरादा है आपकी शादी का, कुछ सोचा? शादी का भी फिलहाल ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं है, मामा के हाथ में सारा कुछ वो वाला डिपार्टमेंट मामा का है एजुकेशनली प्राउड करना वो मेरा। हाँ, वहां जाके थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है ना बच्चे बच्चियों का, वो फिर नहीं पाकिस्तानी माइंड नहीं रहता। मैंने सब कुछ मामा और अपने डैड पे छोड़ा हुआ है, और अपनी बड़ी बहन पे, कि वो वाला डिपार्टमेंट उनका अच्छा, माशाल्लाह, बहुत फरमा बरदार बेटी हैं आप। है इस मामले में शायद वो भी सुन रहे होंगे तो उनको हंसी आएगी ये फरमा बरदार वाली बात सुन के तो नेहा, फिर घर को भी अब अकेले जाहिर कैसे रह रही हैं आप अभी? मैं आई लिव ऑन माई ओन, और सारी चीजें जाहिर है खुद ही संभालनी पड़ती हैं। बट चल रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह का रहम है। एक अच्छी चीज होती है कि बच्चे हो या बच्चियां, उनको घर के सारे काम आ जाते हैं वहां रह के। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जब यहाँ पे आई थी तो मैं तो मम्मा की इतनी ज्यादा स्पॉइल्ड थी कि मुझे तो उठ के शायद मैं एग भी नहीं बना पाती थी सही से, तो खाने भी जलाए हैं इन 7 सालों में बहुत कुछ किया है बट सीख गई तो कोई प्लान बनता है फ्रेंड्स के साथ, आउटिंग वगैरह पे आप जाती हैं, या आउट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह ये यूके? इस एस्पेक्ट से आई थिंक आई हैव बीन क्वाइट ब्लेस्ड कि मेरे हैं इर्द गिर्द इस तरह के लोग जो बड़ा ख्याल रखते हैं और फैमिली के जैसे लोग हैं, सो आई एम क्वाइट ब्लेस्ड इन दैट सेंस अल्हम्दुलिल्लाह। और आप क्या क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं तो ज्यादातर जो है इटालियन खाने हैं, और चाइनीज भी बना लेती हूँ, देसी खाने भी बना लेती ये तो बहुत अच्छी बात है, हूँ परफेक्ट हो जाती हैं बच्चियां। बिल्कुल। और कोई आप नई नस्ल को पैगाम देना चाहती हैं इस हवाले से, जो आप पाकिस्तान के हालात देखें किस कदर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हर किसी की यही ख्वाहिश है कि वो बाहर निकल जाए किसी ना किसी तरह। कुछ लोग लीगली आते हैं, कुछ इलीगल आते हैं, बट मैं समझती हूँ आपको पैगाम देना चाहिए ये वाला कि इलीगल का कोई फ्यूचर नहीं, बिल्कुल या बिल्कुल। उस हवाले से, हाँ, अपने कैरियर के हवाले से बच्चियों को आप क्या, या बच्चे हों या बच्चियां हों, तो कोई पैगाम आप देना चाहती हैं? बिल्कुल मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इलीगल तो रास्ता वो ढूंढे ही नहीं, क्योंकि फिर वो कहीं के नहीं रहते, ना वो यहाँ के होते हैं ना वो पाकिस्तान के होते हैं। क्योंकि अपने कंट्री जाएंगे तो भी एक अलग ही किस्म की जिल्लत है, क्योंकि जाहिर है वो कुछ कर तो वहां पे भी नहीं पाएंगे, और यहाँ पे रहेंगे तो कोई स्टेटस नहीं होगा। सो देर इज नो पॉइंट स्टेइंग हियर विदाउट अ स्टेटस, यू नो, एंड लिविंग हियर इलीगली, देर इज नो पॉइंट। सो आई थिंक एक लीगल पाथवे चूज करें और यहाँ पे आके जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, अपना एक फोकस बिल्कुल लूज ना करें, एंड दैट्स ऑल आई कैन से, जस्ट स्टे पॉजिटिव। कभी कभार बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे लाइफ में
जो आपको बहुत ब्रेक करेंगे, आपको ऐसा डाउन फील होगा कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह पे यकीन रखें एंड अपनी फैमिली को जितना प्राउड बना सकते हैं बनाएं। दैट्स माय बहुत अच्छे, मैसेज। थैंक यू नेहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। थैंक ओके ओके, यू। अल्लाह हाफिज हमारी तरफ से। आप देख रहे थे IMT न्यूज, और आज हमारी मेहमान थी नेहा अहमद आवान, जिनसे आपने बातचीत की, बहुत सारी मालूमात मिली आप लोगों को। आज की अच्छी बात, सूरज और वालिद की गर्मी को बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।